नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका महाराज केंद्रीय विद्यालय IDBP देहरादून में संगीत शिक्षिका के पद पर अभी कार्यरत हूँ। एक छोटी सी बात लेकर आपके समक्ष मैं आज आई हूँ। हमारे आसपास जो परिस्थिति बनी हुई है, हम सब लोग जानते हैं, उससे कोई अछूता नहीं है। किस प्रकार गाइडलाइंस आपके सामने हैं, किस प्रकार उनका पालन करना है, कैसे अपने घरों में रहना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, केवल ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों को बाहर जाना है, तो बाहर से आने के बाद क्या एहतियात बरतना है, आप सब लोगों को उस बारे में पता है, तो कोई नई बात नहीं होगी यदि मैं उसे रिपीट करूं। बट मैं चाहूँगी कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों का, अपने परिवारों का ख्याल रखें। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देते हुए और सकारात्मक सोच के साथ अपने घरों में भजन कीर्तन करते हुए और शांति से रहते हुए किस प्रकार इस परिस्थिति से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं एक भजन आपके सामने रखना चाहती हूँ। सभी विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सुनें, समझें, सीखें, अपने माता पिता के साथ बैठकर इस भजन को गाएं और सकारात्मक रहें। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए।